हे गाइस, वेलकम टू दिस मिस्टर एंड मिसेस व्लॉग्स। मेरा नाम है मोहित और जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, कल मतलब आज हमारी एनिवर्सरी है। दैट्स आवर सेकंड एनिवर्सरी ऑफ आवर मैरिज। सो मैं अभी फ्लाइट से आया हूँ। आरुषि को कोई आइडिया नहीं है कि मैंने उसके लिए कोई केक बंदोबस्त किया है। तो सी, आई हैव अ केक फॉर हर। वी गोना सरप्राइज हर। शी हैव नो आइडिया बट शी कुक फॉर मी। शी इज़ नॉट टेलिंग वॉट शी कुक फॉर मी। कह रही मेरा फेवरेट चीज़ बनाई है। तो थैंक यू टू ऑल माई फ्रेंड्स हु एवर हेल्प मी। मैं फ्लाइट पे था तो मेरे दोस्त मेरे लेके आया। थैंक यू वेरी मच। लेट्स सी, हम उसको सरप्राइज करते हैं, बताएंगे नहीं। लेट्स सी आगे उसके रिएक्शंस कैसे आते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। दोनों बोल ले भाई, चलो Happy anniversary to Rasmo. Happy anniversary to Rasmo. Happy anniversary Rasmo. May God bless us. अब जैसे मैं जाऊँ। May God, sorry, मैं खुद खाने वाली। Sorry. तूने पूरा दिल खा लिया ऊपर वाला? Is Rajma? जीरा राइस जो कि ऑलरेडी एक प्लेट डाउन है हम लोग। एंड भिंडी, किसको किसको पसंद है प्लीज बताओ। इस लड़के को पसंद है भिंडी। ये देखो एक प्लेट हम लोग डाउन है, हम लोग साथ में खा रहे हैं। एंड नो फॉर्मेलिटीज, हम कोई ऐसे नहीं है कुकर ला लेकर के नेटफ्लिक्स चला करके बैड मॉम्स। आई डोंट नो व्हाई वी आर वॉचिंग दिस बट यस। किसको किसको राजमा चावल पसंद है? दिस इज लाइक द ओनली डिश जिसको मैं पेट भरा भी हो तब भी मैं खा सकती हूँ, राजमा चावल। इट्स यम। ये जो है ना कॉम्बिनेशन भिंडी लाइक राजमा चावल का इनका फेवरेट है, इसलिए मैंने बनाया, और भिंडी इनकी फेवरेट, तो मैंने वो चीज़ें बना दी जो इनकी फेवरेट है। एंड आपने इनका तो सरप्राइज देख लिया मेरे लिए, सो ये चलिए हम खाना खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। बाय। Papaya salad. This one is glass noodles and shrimp. Fried noodles. Okay.
ओके दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव नेवर ट्राइड इट बिफोर दिस इज समथिंग यूनिक थाई ग्रीन चिकन करी एंड नूडल्स मेरा एंड मोहित का बेसिकली सब कुछ आएगा बट थोड़ा थोड़ा आएगा एंड वी कैन रिपीट एंड वी कैन ईट अनलिमिटेड तो ये है हम थाईलैंड में ही हैं खाना है तैयार ओके ये कुछ नया आया है तमजम कुछ तो मिसरी नूडल पीनट करी ओके साउंड्स डिलीशियस एंड मोहित को तो बहुत पसंद है मोहित को पीनट बटर बहुत पसंद है तो आई थिंक ये भी पसंद आएगा वाह ये कौन वाह ये आया है कुछ चिकन करी के साथ समथिंग अच्छा पैड थाई होगा आई डोंट नो बट ये वैसा है जैसे हमने थाई ग्रीन करी खाया था ना रेड करी नहीं आती उसमें एक थाई करी एक ग्रीन करी आती है एक रेड करी आती है ये रेड करी है हाँ तभी मैं कह रही हूँ पाथा है नहीं है पाथा इज अ फ्लैट नूड करके होता है दिस इज रेड करी गाइस गलत बताया है मोहित ने ये पाथा नूडल्स नहीं है ये रेड करी होती है जैसे ग्रीन करी होती है वैसे एक रेड करी होती है थाई रेड करी अब मैंने ही बताया ना ये चीज़ भी देखो तो जो हमने पहले बोला दैट वॉज रॉन्ग है क्या यार आशिक भूल गया फिर से कुछ नहीं याद रहा फ्राइड एग विद टॉम यम सूप फ्राइड एग्स विद टॉम यम सूप ये जो आया है सातवीं डिश जो कि है श्रिम्स विद मोनी करी भगवान जाने ये कौन सी डिश है देखने में भी थोड़ी अटपटी लग रही है सी फूड सूप टाइप का है वाओ वाओ मोहित क्या रिव्यू दिया है अब मैं अपनी चीज वापस लेना चाहूंगी उसमें श्रिम्स डाला हुआ है और सूपी सा है जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोल दिया तो बोल रहे हैं वो सी फूड सूप जैसा है तो भाई और बहनों खाना बहुत ज्यादा हो गया पेट दिमाग मतलब थक गए हैं खा खा के बेसिकली ना एक चरम सीमा पार हो चुकी है खा खा करके तो फाइनली हमने उनको बोला कि भाई हमसे तो ना हो पाएगा तो आप डेजर्ट ले आओ डेजर्ट बोले तो डेजर्ट में डेजर्ट मतलब रेगिस्तान में हम रहते हैं ना हम तो कितना कतर में गंदा पीजे था राशि कितना गंदा ये बड़ी ही विचित्र और हमने उसमें भी ऑथेंटिक थाई डेजर्ट मंगाई है विच इज मैंगो स्टिकी राइस आपको मैंगो का कलर दिख रहा है ये मैंगो एक्चुअली ओ इट लुक्स रियली पेल ओके नाउ आई थिंक थोड़ा समझ में आ रहा होगा ना तो ये है मैंगो स्टिकी राइस सो मोमो कैसा लग रहा है आपको हालत देख रहे हो आप लोग गाइस हम लोग जब आए थे तो हम कितने कैसे थे अब देखो खा खा के थक गए अब लोग यस अब मैं हमारे निन्नू टाइम अभी तो एक घंटे की ड्राइव है ना घर जाने को मेरे को लगता है मैं तो शायद सो जाऊँगी फाइनली डन विद द व्लॉग आई होप आपको अच्छा लगा होगा तो ये था हमारा छोटा सा प्यारा सा एंड एनिवर्सरी व्लॉग हमारी सेकेंड एनिवर्सरी व्लॉग सो आई होप यू एन्जॉय इट ऐसी सपोर्ट करते रहिए विश करते रहिए हमें ब्लेसिंग्स देते रहिए एंड डोंट फॉरगेट एंड स्टे ट्यून्ड टू देसी मिस्टर एंड मिसेस व्लॉग्स एंड उससे पहले थैंक यू सो मच पतिदेव इट वॉज लाइक अमेजिंग ब्यूटिफुल सरप्राइज इनकी तरफ से जो कि मुझे एंड तक नहीं पता था मैं कहाँ जा रही हूँ थैंक यू Bye. Bye.